ब्राइटवेल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले अकाउंट एंड अकाउंटिंग में सिखाने वाला हूं आपको tally.erp9 की क्लास में आपको सिखाने वाला हूं आज कि किसी भी डेटा को एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हो, या उसको हम लोग किसी भी डेटा को पीडीएफ में या पीडीएफ या किसी भी फाइल फॉर्मेट में, एक्सेल या अन्य फाइल फॉर्मेट में किस तरीके से ले सकते हैं। तो क्लास चालू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले आपको करना कि आपने कंप्यूटर में tally.erp9 को चालू कर लेना है। जैसे चालू करोगे तो आपको कंपनी इस तरीके से चालू हो जाएगी और अपनी कंपनी जो भी आपने बना रखी है उसको ओपन कर लेना। मैंने ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नाम की कंपनी को ओपन किया हुआ है और कंपनी बनाना और शर्ट सेलेक्ट करना ये 1 से 5 तक की वीडियो में मैंने बताया हुआ है। सबसे पहले आपको करना क्या है, मान लेते हैं आप जो एक्सपोर्ट करते हो ना, क्यों करते हो, सबसे पहले तो यह है कि मान लेते हैं कि आपसे सीनियर कोई अकाउंटेंट है, कंपनी का मालिक है, MD है, मैनेजर है या फिर CA है, आपको उसको डेटा भेजना है। उस डेटा को भेजने के लिए आपको क्या करना होता है, एक्सपोर्ट करना होता है। एक्सपोर्ट करने के लिए आप किसी भी डेटा को कर सकते हो, बैलेंस शीट कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस कर सकते हो, स्टॉक समरी कर सकते हो, मतलब किसी को भी कर सकते हो या फिर आप किसी बिल को भी भेज सकते हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मान लेते हैं कि डिस्प्ले और डे बुक के अंदर एक बिल है मेरे पास में, ये वाउचर नंबर है 7 और 340 340,000 का एक बिल है, इसमें मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। ये एक बिल है मोहन एंड सन्स का, ये बिल मान लेते हैं कि मुझे PDF में या एक्सेल में या JPG में किसी भी फाइल फॉर्मेट में इसको सेव करना है और बाद में मुझे उसको किस ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से या पेन ड्राइव में उसको लेना है। तो वो सब चीज़ मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इसमें किस तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं वो बताता हूँ। आप किसी भी बिल को, बैलेंस शीट को, ट्रायल बैलेंस को ओपन कर लें, डे बुक को, मतलब कोई भी डेटा हो सकता है। अगर उसको ओपन करने पर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऊपर, ये लिखा हुआ एक्सपोर्ट और उसके साइड में ई और ई के नीचे एक डैश है, इसका मतलब है कि ऑल्ट के साथ ई प्रेस करना है। या तो यहाँ पे क्लिक कर दें और या इस पे ऑल्ट के साथ में ई प्रेस करें। जैसे ये करते हैं तो आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको नो करना है, आपको हमें क्या हमारे अनुसार इसको सेव करना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या है, ये आया हुआ जो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑल लैंग्वेज ले सकते हो या रिस्ट्रिक्ट कोड ओनली, तो मैंने बाय डिफॉल्ट कर लिया। यहाँ पे आ रहा है फॉर्मेट, क्या आ रहा है फॉर्मेट, फॉर्मेट में ये सारे फॉर्मेट है एक्सपोर्ट जिसमें कर सकते हो, यानी कि इस बिल को किस फॉर्मेट में आप सेव कर करना चाहते हो। अगर आप एक्सेल में करना चाहते हो तो यहाँ एक्सेल पे क्लिक करें, HTML में करें तो ये ब्राउजर में ओपन होगी, JPG में करें तो फोटो बन जाएगा, इमेज हो जाएगी, और PDF में करें तो PDF में हो जाएगा। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, अक्सर हम लोग PDF में यूज करते हैं, इसलिए मैं PDF करके बता रहा हूँ। एक्सपोर्ट में वो एड्रेस देना है जहाँ पे आपको डेटा को सेव करना है, या बाई डिफॉल्ट अपने आप ये आ रहा है, ये बदलना है। मैं कहाँ करना चाहता हूँ उसको आपको सबसे पहले मिनिमाइज करके देखना है। आप यदि विंडो 10/11 यूज करते हो तो दिस PC आएगा, और इससे नीचे 10/7/8 XP वगैरह करते हो तो यहाँ पे कंप्यूटर आ रहा होगा। तो आप उसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। कहने का मतलब आपको हार्ड डिस्क के जो पार्टीशन और ड्राइव है वो देखने हैं। मेरे पास C है, E है, F है। C में मुझे नहीं लेना है, E में या F में लेना चाहता हूँ, तो मैं F में ओपन करता हूँ तो F में ले रहा हूँ। यहाँ पे जो पीले कलर के हैं ये फोल्डर आपको दिखाई दे रहे हैं, मुझे इनमें से जो नाम है उसमें किसी में भी नहीं करना है, या किसी में कर सकते हो तो हम नया बनाना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, आपके पास में नहीं बना हुआ है। आपको करना क्या है, टेली पे जाना है और टेली पे जाके यहाँ पे क्या करना है, सी के स्थान पे एफ लिखना है, स्मॉल कैपिटल दोनों में चलेगा, और कॉलन लगाना है, इसके बाद में स्लैश लगाना है ये वाला फॉरवर्ड वाला, और यहाँ पे वो नाम लिख देना, मैंने लिख दिया बी ब्राइट। मैंने एंटर किया, जहाँ पे जो नाम है ये बोलता है कि आउटपुट फाइल नेम क्या रखना चाहते हो, जो है वही छोड़ दो, आप चाहे तो बदल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ यदि आप बदलते हो तो डॉट के बाद जो नेम लिया हुआ है इसको लिखना जरूरी होगा, ठीक है, इसको नहीं लिखेंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मोहन एंड सन्स है, मैंने यहाँ पे नाम दिया मोहन, ठीक है, एंड और सन्स। अब मुझे बिना स्पेस के डॉट लगा के जो पहले लिखा हुआ था वो लिखा था PDF, तो मुझे वो लिखना ही होगा, बाकी आगे कुछ नहीं करना है। अगर आपके में फाइल ओपन एक्सपोर्ट फाइल है तो इसको नो कर दें, ये क्या करेगा, यस रखोगे तो डायरेक्ट ओपन कर देगा, लेकिन हम अंदर जाके देखना चाहते हैं। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एक्सपोर्ट यस, यस करना है, एंटर प्रेस करना है, आगे बढ़ना है, और इस तरीके से यहाँ पे फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब देखते हैं कि वो है कहाँ पे, मैंने यहाँ पे टास्क बार पे खोला हुआ है उसको, एफ में, एफ में आप जाओगे, अगर नहीं खोला है तो वापस आप डिस PC या कंप्यूटर से ओपन कर सकते हो। मैंने नाम दिया है ब्राइट, ये आ रहा है अभी का है, ये देखोगे तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करना
और यहां पे डबल क्लिक करोगे तो यहां मोहन एंड सन्स आ रहा है। क्या आ रहा है? मोहन एंड सन्स, और ये पीडीएफ भी लिख के आ रहा है। इसका मतलब है कि ये फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है। डबल क्लिक आप करोगे, जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो ये एक पीडीएफ में ओपन हो जाएगा, और पीडीएफ में तभी ओपन होगा यदि आपके कंप्यूटर में पीडीएफ एडोब रीडर या पीडीएफ रीडर कोई सॉफ्टवेयर ओपन है, डला हुआ है, तभी वो होगा, वरना ये ओपन नहीं होगा। लेकिन मैं इसको एंटर प्रेस कर रहा हूँ। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो देखते हैं अब जो ये फाइल पीडीएफ ओपन होगी वो पीडीएफ में होगी, और उस तरीके से होगी जैसा कि हम लोग प्रिंटर से बिल को प्रिंट करते हैं ना, वैसा होता है सैमटो से। मान लेते हैं कि हम यहाँ बिल प्रिंट नहीं करना चाहते तो हम लोग किसी दूसरे कंप्यूटर करना चाहते हैं तब भी इसका यूज कर सकते हैं, या फिर हम उसको पीडीएफ ही भेजना चाहते हैं ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, या हम लोग उसको पेन ड्राइव के माध्यम से देना चाहते हैं, किसी भी तरीके से देना चाहते हैं, तो वो फाइल पीडीएफ में जाने के लिए बिल्कुल रेडी और सही होती है और बहुत अच्छा यूज है। बहुत ज़्यादा यूज करते हैं अक्सर हम लोग सीए के फाइल भेजने के लिए, एमडी को फाइल भेजने के लिए, और मैनेजर को फाइल भेजने के लिए, किसी को भी, अपने सीनियर को या जूनियर को या कस्टमर को बिल भेजने के लिए भी इसका यूज करते हैं। अगर हम लोग कस्टमर को भेज रहे हैं तो उसके लिए भी देखो, ये वो कहता है कि मुझे पीडीएफ में बिल भेज दो, प्रिंट की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आ गया एक इन्वॉइस बन के आ रहा है, ये ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और जो कस्टमर है उसका नेम, देन यहाँ पे सारी डिटेल्स आ रही है। आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको पूरा डिस्क्रिप्शन आ रहा है कि आपके गुड्स में क्या है, आइटम क्या है, कितना रहे हैं, अमाउंट क्या है, और यहाँ पे जीएसटी नहीं है, इनके विदाउट जीएसटी का बिल है, और इस यहाँ पे फोर ये आ गया आपका सिग्नेचर और सील के लिए। ठीक है, ये बिल्कुल जैसा आप प्रिंट निकालोगे सेम वैसा ही निकलेगा, और ये उसी टाइप का बिल आपका रेडी हुआ है। तो अक्सर हम लोग इस तरीके का यूज बिल के लिए, डे बुक के लिए, ट्रायल बैलेंस के लिए, बैलेंस शीट, किसी भी टेली के डेटा को पीडीएफ में लेने के लिए या एक्सेल में लेने के लिए कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास का इंतजार करना पड़ेगा। क्या रहेगा उस क्लास में मैं तभी बताऊंगा जब क्लास आएगी। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।